चलिए आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखने वाले हैं। ये आपका 2019 में आया था, ठीक है ना। अभी इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स, यहाँ पे जो गिवन मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है ये सम ऑफ साइमेट्रिक्स और स्क्यू मैट्रिक्स का सम है। साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है वो मैं आपको बता दूँ। अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो इसका साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होगा, अगर उसका हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं, ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज, ठीक है। अगर इक्वल होता है तो हम बोल सकते हैं कि वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। और स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है, अगर ए इक्वल टू माइनस ए डैश होगा तो वो आपका स्क्यू साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है ये किसका सम है, ये साइमेट्रिक्स और स्क्यू मैट्रिक्स का सम है, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसको हम लोग मान के चलते हैं कि ये वाला मैट्रिक्स है ए, इसका हम लोग एक नाम दे दिए कि ये हमारा ए मैट्रिक्स है। और उसके बाद में इसका वैल्यू जो है उसको पुट कर देते हैं। ये हो गया आपका 22, 20, 11, यहाँ पे 8, 6, 23, 15, -20 और 9, ठीक है। अब क्या करना है, इसका ए ट्रांसपोज निकाल देते हैं। ए ट्रांसपोज में क्या होता है कि रो को कॉलम बना देना होता है और कॉलम को रो बना देना होता है। मतलब देखिए यहाँ पे पहला रो जो दिया है 22, 20, 11, इसको आप कॉलम में लिख दीजिए 22, 20, 11। और फिर नीचे का सेकंड रो जाएगा, इसको से यहाँ से कॉलम बना देंगे 8, 6, 23। और उसके बाद फिर थर्ड रो का 15, -20 और 9, ठीक है। अब हम लोग पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए, उसके बाद ए ट्रांसपोज, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे हम लोग को और फाइंड करना है हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, मतलब ए ट्रांसपोज, ठीक है। और इसको हम लोग फाइंड करते हैं, इसको फाइंड करेंगे कैसे, फाइंड करेंगे ए प्लस करना है, देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज मतलब यहाँ पे 22 प्लस 22 कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। मैं यहाँ पे अगर आप एक बार यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करना क्या है, उसके बाद में बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ए मैट्रिक्स में का वैल्यू जो था वो लिख दीजिए 22, 8 और 15, फिर 20, फिर 6, फिर -20, फिर 11, 23, 9 और फिर प्लस करेंगे और ए ट्रांसपोज का जो वैल्यू था उसको यहाँ लिख देंगे हम लोग 22, 20, 11, 8, 6, 23, 15, -20, 9। अब ऐड करना है, ऐड कैसे करेंगे, ये वैल्यू के साथ 22 को 22 के साथ, 20 को 8 के साथ, 11 को 15 के साथ, 8 को 20 के साथ, इस तरह से हम लोग इसको ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ तक देख लीजिए, उसके बाद मैं यहाँ पे मिटा दूंगा, ठीक है। हाँ अभी यहाँ पे हाफ और यहाँ क्या मैट्रिक्स आ रहा है हम लोग के पास में, जोड़ने पे क्या आएगा, जोड़ने पे आ जाएगा आपका 44, 28 और 26। उसके बाद में फिर आपका कितना आएगा 28, 12, 3 और फिर 26, -3 और 18, ठीक है। और उसके बाद में देखिए हाफ है मतलब 1/2 है, तो सब में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22, ये हो जाएगा कितना, ये 22, उसके बाद 28 है तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा आपका 14, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3/2 और उसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा 13,
यहाँ पे हो जाएगा -3/2, यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकला, ये चीज जो है ये क्या निकला हम लोग का, हाफ ए प्लस ए डैश प्लस। तो ये सेमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, क्या है ये आपका, ए प्लस ए डैश जो होता है ये आपका सेमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसको हम लोग हाफ कर रहे हैं क्योंकि देखिए सेमेट्रिक्स और स्क्रू मैट्रिक्स जो निकलेगा तो उसका ये सम बोला गया है, तो दोनों का वैल्यू सेम होता है, इसीलिए हाफ हाफ करके हम लोग लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग को क्या निकालना होगा, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसका वैल्यू निकालना होगा। इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो सेम उसी प्रकार से आपको निकालना पड़ेगा, पहले ए का वैल्यू लेंगे और फिर ए डैश का लेंगे और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक का वैल्यू दूसरे के साथ में क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाफ, उसके बाद यहाँ मैं एक ब्रैकेट दे रहा हूँ और फिर यहाँ पे मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 22। ए का वैल्यू एला 8, 15, फिर यहाँ पे आपका 26, -20, 11, 23 और 9, और फिर क्या करना है हम लोग को, माइनस करना है। और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये ब्रैकेट अभी नहीं देना है। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए डैश ए ट्रांसपोज था उसका वैल्यू दे देना है। ट्रांसपोज क्या था, 22, 20, 11 था, 8, 6, 23 था और 15, -20 और 9 था। अब माइनस करने पे क्या वैल्यू मिलेगा, हाफ। यहाँ पे क्या होगा, देखिए 22 को 22 से अगर माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 8 को -20 करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 8 -20 मतलब वैल्यू माइनस में मिलेगा, कितना मिलेगा, -12 मिलेगा। 15 -11 करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, 15 से 11 जाएगा तो 4 बचेगा। उसी प्रकार से 20 से 8 जाएगा तो क्या मिलेगा हम लोग को, 12 मिलेगा। 6 से 6 जाएगा तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। -20 से 23, देखिए -20 और यहाँ पे भी -23 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मगर साइन तो माइनस का ही आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 43 मिलेगा। सेम उसी प्रकार से फिर आगे करेंगे, 11 को 15 से माइनस करेंगे, 11 -15 तो क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। और उसके बाद में फिर यहाँ पे 23 -20 तो क्या होगा, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम लोग को क्या मिल जा रहा है यहाँ पे, +43 मिल जा रहा है। और आगे 9 -9 कितना हो जा रहा है, ये आपका 0 आ जा रहा है। उसके बाद में देखिए ये जो हाफ था तो सब में डिवाइड करेंगे 2 तो कितना हो जाएगा, 0, मतलब 0 / 2 0 ही आएगा। यहाँ -6 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा, यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ -43/2 आएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे 43/2 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी निकाले क्या है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको, हम लोग अभी क्या फाइंड किए, दो चीज फाइंड किए। पहले तो हम लोग क्या किए थे, मैट्रिक्स जो था उसका मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, देखिए ए था, ए का हम लोग ए डैश निकाले, उसके बाद में फिर हम लोग हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश निकाले, दैट मीन्स गिवेन मैट्रिक्स प्लस उसका ट्रांसपोज करके जो वैल्यू निकालना था। उसके बाद फिर सेम हम लोग क्या किए, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश निकाले, ए ट्रांसपोज, ये दो चीज हम लोग निकाले हैं जिसका कि यहाँ पे वैल्यू मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे क्या करना है, अब आगे देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, लेट पी इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश का वैल्यू क्या आया था हमारे पास, 22, 14, 13, उसके बाद में फिर आपका 14, 6, 3/2,
फिर क्या था वैल्यू? 13 3 बाय 2 23 माइनस 20 या 3/2, और फिर आपका था 9। तो ये वैल्यू हम लोग को मिला था, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे? इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, देखिए इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे जो कॉलम में दिया हुआ 22 14 13, उसके बाद में फिर 14 6 3/2, उसके बाद में फिर 13 3/2, फिर यहाँ पे आपका 9। तो ये क्या हो रहा है, देखिए इससे हमको क्या पता चल रहा है कि P ट्रांसपोज जो था वो इक्वल टू P इक्वल टू P का जो वैल्यू है, P का जो वैल्यू है वो किसके साथ इक्वल हो जा रहा है? P डैश के साथ में इक्वल हो जा रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि P जो है, P इज ए साई मैट्रिक्स, क्योंकि इसका रूल वही बोलता है ना, जब कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा, गिवन मैट्रिक्स, और उसका ट्रांसपोज करने पे दोनों का वैल्यू अगर इक्वल होता है तो वो साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहां पे मैं लिखता हूं, लेट क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, ठीक है, इक्वल टू। अब यहां पे इसका क्या वैल्यू मिला था हम लोग को? इसका वैल्यू क्या था? 0 था, उसके बाद में आपका 6, फिर आपका 2, यहाँ पे आपका 22 माइनस 22 0 था, 8 माइनस ये आपका माइनस 12, फिर यहाँ पे 6 मिला था। हाँ ठीक है, 6 नहीं था, ये आपका माइनस 6 मिला था हम लोग को, क्योंकि हम लोग क्या किए थे, 8 को 20 से माइनस किए थे, फिर 15 को 11 से किए थे तो 4 आया था, फिर 2 से डिवाइड किए थे तो 2 आया था, ठीक है। उसके बाद का वैल्यू क्या मिला था हम लोग को? 6 मिला था, फिर 0 मिला था, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग को क्या मिला था? माइनस 20 था, और फिर माइनस माइनस 20 माइनस 23, दैट मीन्स माइनस 43, और फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 43 बाय 2 वैल्यू मिला था। उसके बाद में फिर हम लोग को यहाँ क्या मिला था? यहाँ पे आपका यहाँ पे 11 को हम लोग 5 से माइनस किए थे, 11 माइनस 5, तो यहाँ माइनस 4 मिला था, माइनस 4 को फिर 2 से डिवाइड किए थे तो माइनस 2 मिला था, ठीक है। उसके बाद में फिर 23 माइनस 20 माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका 43 बाय 2 था, और उसके बाद में फिर 0 मिला था। इस तरह था वैल्यू शायद, है ना। एक बार मैं फिर देख लेता हूँ, 23 माइनस 20, और उससे पहले माइनस 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 20, ठीक है। इस तरह से हम लोग को वैल्यू मिला था। अब इसका हम लोग क्यू डैश निकालेंगे। अब इसका क्यू डैश मतलब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ आ जाएगा 0 6 माइनस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 6 0 और फिर 43/2, और फिर 2 माइनस 43/2, और फिर यहाँ 0। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम है मगर साइन में अंतर आ जा रहा है। जैसे यहाँ पे 6 था, यहाँ प्लस 6 है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे माइनस 2 है, यहाँ पे 6 था, यहाँ माइनस 6 है, यहाँ माइनस 43/2 था, यहाँ पे 43/2 है, यहाँ पे माइनस 2 था, यहाँ 2 था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अभी जो वैल्यू मिल रहा है वो हम लोग को क्या मिल रहा है? माइनस क्यू डैश मिल रहा है। तो ऐसा होने से जब क्यू इक्वल टू माइनस क्यू डैश होता है तो हम लोग पढ़े हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रू मैट्रिक्स, ठीक है। अगर आप मैट्रिक्स किए हैं तो आपको मालूम होगा इसका रूल, किसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रू
मैट्रिक्स, तो इसका मतलब क्यू जो है वो क्या है, स्क्रू मैट्रिक्स है। क्यू जो है वो आपका स्क्रू मैट्रिक्स है। बात समझ में आ गया आपको यहां तक कि क्यू जो है वो क्या है, स्क्रू मैट्रिक्स है। अब हम लोग क्या दिखा देंगे, इसको मैं हटा देता हूं। तो अब देखिए पी प्लस क्यू अगर इक्वल टू ए आ जाता है तो हम लोग का प्रूफ हो गया। अब पी क्या था, पी था हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश था, और फिर प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। तो अगर इसको हम लोग खोल दे तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस हाफ ऑफ ए डैश। अब यहाँ हाफ ऑफ ए डैश हाफ ऑफ ए डैश तो कैंसिल हो जा रहा है, बच क्या रहा है, हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए विच इज इक्वल टू ए। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक्स और स्क्रू मैट्रिक्स का क्या है, सम है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।